मोड्यूल ट्वेंटी सिक्स डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड इन एग्रीकल्चर डिस्कशन अबाउट डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स स्टैटिक डिमांड एंड डायनेमिक डिमांड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इनफैक्ट जब हम बात करते हैं तलब की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की अगर हमारी मूवमेंट विद रेफरेंस टू डिमैंड फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज़ अलॉन्ग द करव then it is basically understanding of the demand under static side in fact static aspects of the demand refers to instantaneous adjustment in demand because of change in price of the commodity so this change in quantity demand that we observe immediately because of change in price it is called as static aspects of the demand under static aspects of the demand other things that can affect the demand remains constant. kare kisi bhi consumer demand for wheat. that for demand for wheat, there are certain factors that play some important role. among those factors, price of substitute, price of complement, and income of the consumer has also some role in the determination of the demand but under static aspects we keep all these factors constant KG, there, is no, there is no change in income no change in price of complement no change in price of substitute only there is change in demand because of change in price of that particular commodity but when we make discussion about the dynamic aspects it refers to change in demand that is associated with factors other than the price of that particular commodity. it involves a longer time period. Okay, it might be possible because of there is some change in factors other than price and because of that change in factors other than price of the commodity, there is some change in demand. it requires, a long, it requires relatively a longer time period. and at the same time,

ये भी पॉसिबल है कि जी उस जो भी कमोडिटी अंडर कंसीडरेशन है उसके सब्सिट्यूट कुछ चेंज हो जाए एंड बिकॉज ऑफ ऑल चेंजेस देर इज चेंज इन एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इन फैक्ट वेन वन पोजीशन टू एन अदर पोजिशन इट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड एंड इट एसोसिएट्स विद डायनेमिक साइड ऑफ द डिमांड

all these factors play some role it might be possible if there is increase in young people over a period of time that the young people's time after a certain time period suppose in a particular country is increasing because of that increase in young people there is some change in the demand pattern of the demand of a commodity in the market. फिर इसी तरह कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा कंज्यूमर की इनकम भी आएगी उसमें प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी आएगा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वीट के रेफरेंस में बात करूं इट माइट बी पॉसिबल कि इन अ पर्टिकुलर रीजन पीपल आर मीटिंग देयर डिमांड फॉर फूड बाय यूजिंग वीट एंड राइस हम मैं कुछ यहां पे ये भी एज्यूम कर सकता हूं कि जी लोग गंदम और चावल का एक कंबिनेशन यूज करते हुए वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं अगर मैं कंसीडर करूं जी गंदम और चावल कॉम्प्लीमेंट है देन क्या होगा कि अगर गंदम की प्राइस बढ़ेगी देन एट द सेम टाइम इट माइट बी पॉसिबल देयर इज डिक्रीज इन कंज़म्पशन ऑफ राइस चले एक और कमोडिटी यहां पे भी, भी साथ में कंसीडर कर लेते हैं कॉर्न अगर मैं बात करूं जी कॉर्न एंड

ये जो मेन आपके पास ग्रीक नोटेशन हैं इसमें फर्स्ट नोटेशन क्या है गैमो जो पी के साथ अटैच है नोटेशन वो उसको हम अल्फा बोलते हैं और जो इनकम के साथ जिसको हम आई के साथ डिनोट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में उसके साथ जो लेटर अटैच है उसको हम बीटा कहते हैं और ये सब क्या है ये पैरामीटर्स होते हैं किसी भी डिमांड इक्वेशन के और ये किस चीज को आप कह लें कि इट बेसिकली डिपिक्ट एन एसोसिएशन के इज द एसोसिएशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस एंड इनकम ऑफ अ कमोडिटी अगर हम यहाँ पे जी एज्यूम करते हैं कि जी दिस इज डिमांड फंक्शन फॉर बीफ इफ प्राइस ऑफ बीफ इंक्रीजेस, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर बीफ बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे कुछ ये भी एज्यूम कर लूँ कि जी बीफ इज अ नॉर्मल कमोडिटी हाँ जी आपको याद होगा जब हमने कंज्यूमर थ्योरी की बात कंज्यूमर बिहेवियर में हमने डिस्कस किया था इट माइट बी पॉसिबल कमोडिटी अंडर कॉन्सिडेशन इज अ नॉर्मल कमोडिटी अ कमोडिटी अंडर कॉन्सिडेशन इज एन इंफीरियर कमोडिटी देन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी इफ इनकम इंक्रीजेस फॉर नॉर्मल कमोडिटी क्या होगा देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी ये इक्वेशन मुझे क्या रिपोर्ट कर रही है दिस इक्वेशन बेसिकली रिपोर्ट में डिमेंड फॉर बीफ एंड इनकम आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड तो इस केस में बीफ क्या है हम कंसीडर कर रहे हैं बीफ इज अ नॉर्मल कमोडिटी इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड देयर इज नो चेंज इन द एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स के वैल्यूज ऑफ गैमा एल्फा एंड बीटा रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन हम क्या कहेंगे कि दिस इज बेसिकली Association between the variables at a particular point in time. Like when we talk about dynamic aspects, then this association between price and quantity demand will change. And when association between price and quantity demand change, values of estimated value of alpha will change. It might be possible. कि इंस्टेंटेनियस एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस कुछ ही हो कि प्राइस ऑफ बीफ इज इंक्रीज बाई वन बाई हंड्रेड रुपी इट माइट बी पॉसिबल डिमांड फॉर बीफ डिक्रीज बाई टू के जी बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमने क्या एज्यूम किया कि प्राइस अगर हंड्रेड रुपीज से इंक्रीज करेगी डिमांड फॉर बीफ डिक्रीज हो जाएगी बाई टू के जी

कि जी वहां पे लीनियर एसोसिएशन होती है अमंग वेरिएबल्स इट माइट बी पॉसिबल देयर इज अ नॉन लीनियर एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स सो इफ देयर इज चेंज इन द नेचर ऑफ द एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स तब हम क्या कहेंगे कि जी अगेन देयर आर सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी इस डायग्राम में हम बेसिकली वी आर मेकिंग डिस्कशन अबाउट डिमांड फॉर बीफ इन टू टाइम पीरियड्स इफ वी मेक अ कंपैरिजन of demand for beef in 1973 with demand for beef in 2023 we observed there is a decrease in demand for beef this decrease in demand is attributed to the change in preferences of the consumer and preference change in the preference of the consumer as long as

के जी बीफ हैर्टन कॉन्टेंट दैट इज कंट्रीब्यूटिंग ने कुछ नेगेटिव इंपेक्ट आ रहे हैं आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस हिस्टोरिकली क्या हुआ के इन डेवेल्प्ड इकोनोमीज देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर बीफ एंड दिस डिक्रीज इन डिमांड फॉर बीफ को हम क्या कहेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंज इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ चेंज इन बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एंड दैट चेंज इन बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अब इसी पैटर्न पर अगर मैं इस डायग्राम के रेफरेंस में बात करूं तो अब यहां पर ले रहे हैं क्वांटिटी डिमेंड फॉर फ्रूट्स और अगर मैं डिमांड फॉर फ्रूट्स के रेफरेंस में बात करूं डिमांड फॉर फ्रूट्स इन ईयर 1973 इज लेस एज कंपेयर टू डिमांड फॉर फ्रूट्स इन ईयर 2023। ट्वेंटी यहां पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्रूट्स हाँ जी इसकी वजह क्या हुई कि जी फ्रूट्स की तलब बढ़ गई मार्केट में it might be possible this increase in demand for fruit is because of the awareness of the consumer again because fruits are contributing positively, positively towards the health of the consumer so because of that increase in awareness there is increase in demand for fruits the consumers are willing to buy more commodity more quantity of fruits at same price इन टू टाइम पीरियड्स आपने ये दोनों डिमांड को जब देखा हमने ऑब्जर्व किया देर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर टाइम पीरियड्स अगर हम इसी चीज को किसी और क्वांटिटी के रेफरेंस में बात करें जी एक और एग्रीकल्चर कमोडिटी ले लेते हैं सपोज पल्सेस इन टू टाइम पीरियड्स अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं देयर इज डिक्रीज इन डिमेंड फॉर पल्स इन टू टाइम पीरियड्स एंड वन थिंग दैट शुड बी क्लियर टू यू पीपल कि जब हम कहेंगे कि डिमांड इंक्रीजेस डिमांड कर विल शिफ्ट राइट वर्ल्ड जब हम कहेंगे डिमांड डिक्रीजेस डिमैंड कर विल लेफ्ट वर्ड। फिर एक और जो बड़ी है, हम डिमांड में बेसिकली मोस्टली बात करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी के एसोसिएशन की लेकिन हमने उस मॉडल में एक वेरिएबल इनकम का भी डाला हुआ था अब इनकम का क्या इंपैक्ट है जब आप इनकम की बात करते हो मोस्टली इनकम कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टर्ड द डिमांड फॉर अमोडिटी अगर इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तब हम क्या कहते हैं कि क्वान्टिटी डिमांड क्वानिटी नॉर्मल कमोडिटी लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर वेन एवर इनकम इंक्रीजेज क्वान्टिटी डिमांड इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट ये जो हमने कर्व सा रिलेशनशिप बनाया ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जी आल तो इनकम ऑफ दाउस होल्ड इंक्रीजेस बट देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एट अ डिक्रीजिंग रेट मैं यहां पे भी किस चीज की डिमांड को डिपिक्ट कर रहा हूं विद रेफरेंस टू इनकम बीफ मेरी क्या है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज बीफ एक्ट एज अ नॉर्मल कमोडिटी कि कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट इफ इनकम इनक्रीजेस देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर बीफ लेकिन अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमीज में चले जाऊं इट माइट बी पॉसिबल वहां पे ये एसोसिएशन कुछ नेगेटिव हो जाए कि इनकम बढ़े डिमांड फॉर बीफ क्या हो जाए कि वो डिक्रीज हो जाए अगर मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को आप कह लें कि प्रिसाइजली डिफाइन करूं थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट वेन एवर वी मेक डिस्कशन अबाउट मार्केट डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इट इज द प्राइस ऑफ कंपनी

कॉम्प्लीमेंट है कि लोग वीट और चावल और गंदम का एक कॉम्बिनेशन यूज करते हुए अपनी फूड रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं कि अगर गंदम की प्राइस बढ़ेगी क्या हो जाएगा इट माइट बी पॉसिबल देर इज डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ चावल क्यों मेरी क्या आती वीट और चावल जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है हाँ जी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कुछ अब ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि अगर मैं सीरियल एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क की बात करूं इफ प्राइस ऑफ सीरियल इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर डिमांड फॉर मिल्क क्या होगी इट विल डिक्रीज पीपल आर यूजिंग सीरियल एंड मिल्क फॉर देयर ब्रेकफास्ट अगर सीरियल इंक्रीज की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी पीपल विल आल्सो डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ मिल्क अब इसी पैटर्न पे अगर मैं सब्सिट्यूट के रेफरेंस में बात कर लूं देन क्या होगा कि इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर सब्सिट्यूट विल आल्सो इंक्रीज हां जी हम बात कर लेते हैं बीफ एंड चिकन की मेरी अजम्पशन क्या है बोथ कमोडिटीज आर सब्सिट्यूट ऑफ इच अदर क्या जी अगर प्राइस ऑफ बीफ इंक्रीज कर जाएगी इट माइट बी पॉसिबल देन इफ चिकन इज अ सब्सटीट्यूट चिकन की क्या हो जाएगी चिकन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी कि इन केस ऑफ कंप्लीमेंट इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन जब हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट वेन एवर न्यू प्रोडक्ट इज डिप्ड इट आल्सो रिजल्ट इन शिफ्ट इन डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटी हमने ऑब्जर्व किया विद दाइम देर इज डिवेलमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर एंड बिकॉज ऑफ दैट आर्टिफिशियल फाइबर क्या हुआ उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया आपके कॉटन को क्या जी एग्जिस्टेंस ऑफ दब्स्टिट्यूट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डिमेंड फॉर वूल एंड एट द सेम टाइम हमने पहले भी बात की कि चेंज इन आल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द शिफ्ट इन डिमांड सो ऑल दीज फैक्टर्स आर द फैक्टर्स जो के डिमांड जो आप कह लें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की तलब को मार्केट में इफेक्ट करेगी थैंक यू वेरी मच